नमस्कार साथियों, और फिर दोबारा से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है वो लगभग शायद आप अभी तक देख के समझ चुके होंगे कि किस विषय पे मैं आज की वीडियो है जो बनाने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी सफाई कर रखी है, तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि हमने अपने दड़बे की या जहाँ भी हम मुर्गी रखते हैं उसकी सफाई किस तरह से करनी है या क्या बिछाना है, उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने लगभग ये एरिया पूरा यहाँ पर झाड़ू मार करके साफ़ कर दिया है और मुर्गियों को अभी इस इलाके में रखा है। बाकी अगर आप देखें तो अभी आधी सफाई हुई है। ये जो इसके नीचे मैंने बुरादा बिछाया था वो है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि हमें मुर्गी के दड़बे में नीचे क्या बिछाना चाहिए जिससे कि सफाई करने में हमें आसानी हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो इसमें बिछाया था वो है लकड़ी का जो बुरादा होता है जो रंदे पे निकलता है, एकदम बारीक वाला नहीं, आरा मशीन वाला नहीं, जो रंदे पे निकलता है टुकड़े वाला, वो मैंने इस पे छिलके जो है वो बिछाए थे। और साथ ही कई लोगों के ये भी सवाल थे कि हम इसकी सफाई कब कब करें, तो मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी आपका बुरादा है वो गीला हो, चाहे बीट के कारण हो या पानी के गिरने के कारण हो या बरसात का मौसम हो, तो उस केस में तो आपको सफाई करनी पड़ती है बार बार। लेकिन अपनी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, तो जब हम यहाँ पे हमने मुर्गियों को शिफ्ट करा था, ये था मेरे ख्याल फेब्रवरी का बीच था, एकदम लास्ट भी नहीं था जहाँ तक मेरे को ध्यान है, तो उस समय से हमने डाल रखा था और उससे आप लगा सकते हैं अभी मई की शुरुआत है, तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ और अभी तक इसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बीच में जिस टाइम हमारी जो चादर है सीमेंट की वो उड़ी थी, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, बरसात में एक बार पीछे जब ज़्यादा तूफान चला था उस टाइम ही हमारी उड़ गई थी, तो उस समय गीला हुआ था लेकिन उस समय इतनी बीट वगैरह नहीं थी, तो वो हमने बुरादे को दोबारा सुखा करके हमने दोबारा बिछा दिया था, लेकिन इसको अभी तक हमने बदला नहीं था और आज मैं इसको बदलने जा रहा हूँ। तो अभी भी इवन मैं आपको दिखाऊँ तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा सूखा है, गीला कहीं पर भी नहीं है, है ना, तो इससे बदबू नहीं उठती हमारे यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो रेशियो है अभी हमारे पास बुरादे का और इसी में जो बीट है वो मिक्स हो चुकी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इवन मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल सूखा है ना, हल्का सा भी इसमें नमी नहीं है, कुछ नहीं है, गीलापन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक बदला नहीं था। लेकिन अब जो रेशियो है कि लगभग बुरादा और जो मुर्गियों की बीट है वो मिक्स होकर के काफ़ी हो चुका है, तो इस करके अब मैं इसको बदल रहा हूँ आज, तो मैंने कहा सफाई कर लेता हूँ। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इसको बदलेंगे तो आप एकदम से इसके ऊपर जो नया बुरादा है वो ना बिछाएं, है ना, क्योंकि अभी मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ और ये अच्छी खासी खाद भी बन चुकी है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाद के लिए जो लोग गांव में रहते हैं जिनकी खेती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा पौधे भी नहीं, छत में जो हमने गमले लगा रखे हैं मुश्किल से 8-10 गमले हैं, तो उसमें ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ खाद, तो ये फ़िलहाल मेरे लिए वेस्टेज है। और अगल बगल में भी जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे भी कि कई लोगों ने गाय भैंस पाल रखी है, तो खाद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये मेरे लिए वेस्टेज है, तो मैं इसको फेंक दूंगा और कुछ समय तक इसमें मैं हवा लगने दूंगा ताकि थोड़ी धूप भी लग जाए, थोड़ी हवा भी लग जाए खाली में, और फिर उसके बाद शाम को मैं यहाँ पे बुरादा में जो दूसरा बुरादा है वो दोबारा से मैं इसमें बिछाऊंगा, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको बना करके डालूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यही है कि आज मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ और सारी तरफ से मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, इवन जहाँ पर ये अंडा देते थे वो भी मैंने, ये जो हमारा टब है तो उसमें ये भी मैं भर करके इसको नीचे वेस्टेज वाली जगह में फेंक कर आऊँगा सारे बुरादे को, है ना, बाकी फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा वो कर दूँगा। बाकी आप ये देख सकते हैं इधर भी हमने सारा साफ़ कर दिया है ना, ये जो हमने बनाया था इसको भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ।
इसको भी आप देख सकते हो अंदर से लगभग काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि झाड़ू से भी थोड़ा सही से साफ़ नहीं हो रहा। बाकी इसको भी मैं और अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा। फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ करना था ना। तो इस तरह से आप सफाई कर सकते हैं। और अभी ये सारा कुछ मैं फेंक करके इस पे शाम को नया बुरादा है वो बिछाऊंगा, ताकि मुर्गियां जो भी बीट वगैरह करे उससे नमी पैदा ना हो यहाँ पर, इसी तरह से सूखापन रहे, तो उससे ना मुर्गियों को परेशानी होगी ना आपके दड़बे में महक आएगी, जिसके कारण आपके अगल बगल के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी मुर्गियों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और साथ ही फिर दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के ये क्वेश्चन थे, सवाल थे कि आप क्या बिछाते हैं और कितने दौर पे आप साफ़ करते हैं, तो सफाई करने की हमें तभी ज़रूरत है जब अगर उसमें महक आने लगे या आपको लगे कि ज़्यादा गंदा हो चुका है ना। क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, अभी सफाई करने भी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम भी हो गया था, इस करके मैं इसको कर रहा हूँ। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकता, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मैंने जमा करा था, लेकिन मुर्गियाँ इसको दोबारा बिखेरना शुरू कर रही है ना। तो जल्द से जल्द मैं इसको उठा उठा करके मैं सारा बाहर करूँगा इसको, ताकि इसमें हवा धूप दोनों लग सके, और फिर उसके बाद शाम को मैं इसमें दोबारा से बुरादा है वो डाल दूंगा। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। और साथ ही जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार होता है कि आप कमेंट कर रहे हैं, 2-3 तक तो मैंने रिप्लाई करा, फिर मेरे को भी लगने लगता है कि शायद कमेंट बॉक्स पे सही नहीं है ये सारी बातें करना, तो इसलिए व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। ग्रुप में कई हमारे काबिल दोस्त हैं जो कि आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दे पाएंगे, क्योंकि कई बार मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कई सारे लोग हैं तो एक दूसरे की मदद वहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए वीडियो को मैं यहीं थाम रहा हूँ। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, और भी ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही माहौल आपको पता है पूरी दुनिया का, है ना, कोरोना वायरस से हर कोई परेशान है, तो उससे भी आप लोग सुरक्षित रहिए। अपने अगल बगल की साफ़ सफाई रखिए, हाथों की, अपने शरीर की सफाई रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके घरों के अंदर आप रहिए, है ना। बेवजह बाहर ना निकले, जब वाकई में ज़रूरत हो बाहर निकलने की तभी आप लोग निकले, अन्यथा आप लोग घरों पे रहें, है ना। क्योंकि जब आप घरों पे रहेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे, और आप सुरक्षित है तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। तो इसी तरह से अपनी सेहत का भी आप लोग ध्यान रखिए, मुर्गियों का भी ध्यान रखिए, और फिर दोबारा से ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।